बात करना चाहता हूं। आज 20 साल हो गया पार्टी को बने, जब पार्टी 14 साल की थी, जब पार्टी 14 साल की थी तो 4 एमएलए पैदा हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में 4 एमएलए पैदा हुआ, हजारों प्रधान पैदा हुआ, हजारों जिला पंचायत हम लोग बनाने का काम किए। और जब पार्टी 2022 में पार्टी 20 साल की हुई तो 20 साल में यूपी में 6 एमएलए पैदा हो गए। कितने एमएलए हो गए? 6 एमएलए। हमारे साथियों के दिल में थोड़ा कुछ गुब्बार पैदा हुआ कि साहब यदि यूपी में राजभर रजवार आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार प्रजापति पाल बिंद्र केवट मल्ला जुलाहा धुनिया अंसारी साई दर्जी फकीर शेख सकेत सैयद पठान ब्राह्मण राजपूत भूमियार यादव पटेल भारतीय समाज पार्टी के साथ इकट्ठा होकर के वहां एमएलए पैदा कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में थोड़ी सी ताकत आप दो, हम लोग भी यहाँ एमएलए पैदा करना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं। आप बताओ यहाँ कितने लोग चाहते हो 2024 और 2025 सांसद और एमएलए बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ, जो लोग बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो हाथ नीचे करो। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, कभी कभी हमसे कहते हैं जहां से चलता है वहीं बक्सा में बंद कर लेता है और जहां पहुंचता है वहीं छोड़ देता है, भीड़ हो जाती है। यहां बिहार के लोगों जरा हाथ उठाओ, जितने लोग बिहार के लोगों भैया हाथ उठाओ, देख लो भैया पत्रकार भाइयों, कहीं ये मत कहना कि ये राजभर बलिया से हाँक देता है लेके चला आता है। ज्यादा चर्चा होती है कि बलिया से, मऊ से, आजमगढ़ से, बनारस से, गाजीपुर से लेके आ जाता है। तो बिहार के लोगों, मैं तो गया था कटिहार, बधाई देता हूँ कटिहार के लोगों को, बधाई देता हूँ। मैं गया था मधेपुरा, हम मधेपुरा के लोगों को बधाई देता हूँ। मैं गया था सीवान, मैं गया था पश्चिमी चंपारण, मैं गया था कैमूर बक्सर, जहां जहां मैं जा सका, नवादा भी गया था, जहां जहां मैं जा सका वहां से हमारे तमाम साथी आए हैं, उन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और आप लोग विभिन्न जनपदों से आए हो, मुझे खुशी हुई कि जब मैं माला यहाँ, आपको आश्चर्य होगा कि मैं माला पहना क्यों रहा था, मैं टटोल रहा था कि किन किन जिले से लोग आए हैं। जब मैंने टटोलना शुरू किया मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि जिस जिले में मैं नहीं गया उस जिले से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। सबसे बड़े बधाई के पात्र वो साथी लोग हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बिहार के लोगों, आप घबराओ नहीं, यूपी में ताकत पैदा हो गई। यूपी में आज अगर एक आवाज लग जाती है तो वहां हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं वही चीज बिहार की धरती पर मैं कहना चाहता हूं, मेरी चाहत है, मेरी सोच है, थोड़ी सी ताकत आप पैदा करो, थोड़ी सी ताकत हम पैदा करते हैं, थोड़ी सी ताकत आप पैदा करो, थोड़ी ताकत हम पैदा करते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में राजभर रजवार राजवंशी नहीं रहता। अभी हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी बोल रहे थे, हर विधानसभा में उनका वोट है, हमारा भी वोट है। अय वंचित समाज के लोगों, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों, अधिकार से वंचित लोगों, थोड़ी सी ताकत इकट्ठा करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का, ये वो पावर है, इसी वोट के पावर से आप चाहो। अभी तक आपने 30 साल तक आरजेडी और जदयू की सरकार बनाई है, थोड़ा सा खाली मन बना के उनसे अपना वोट हटा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं तेरे सामने घुटना ना टेक दे तो साल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। तेरी ताकत कोई जानता नहीं। आप यहाँ आए हो, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में बाजा बज रहा है, आपको पता नहीं होगा, हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे सोशल मीडिया के साथी आज पूरे दुनिया को बता रहे हैं
ये बिहार के आए हुए लोगों, मैं फिर दिखाना चाहता हूँ हमारे तमाम एलाइयों के साथी होंगे, तमाम पार्टियों के गुप्तचर यहाँ आए हुए उन लोग हैं, बिहार के लोगों जरा दोनों हाथ उठा करके हमारी तरफ। आप बताओ, हम यूपी से आने वाले लोग नहीं हैं, हम बिहार के लोग हैं, हम अपना अधिकार लेने के लिए करता है, हम अपने नेता के ऊपर विश्वास करके आए हैं। हमारा नेता जो एहसास करा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, ये वोट हमको शिक्षा हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको नौकरी हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको रोजगार हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको सम्मान पाने के लिए दिया, ये वोट हमको एमपी और एमएलए बनने और बनाने के लिए वोट का पावर दिया। हम उसको इकट्ठा करके अपने बेटा बेटी को भी हम दिल्ली और लखनऊ की पटना की राजधानी में हम एमएलए पैदा करना चाहते। बताओ कितने लोग एमएलए पैदा करना चाहते हो? तो देखो, आप यहां आए हो, जाओगे गांव में, तो जो अभी तक आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा, तमाम पार्टियों को वोट देने वाले लोग हमारे ही समाज के लोग हैं, वो कहेंगे आपसे गए ललत का पौला, कहेंगे कि गए ललत का पौला, तो उनसे बता देना, जब वो कहेंगे का पौला तो उनको कह देना कि जय सुहेल देव। का कहेंगे? जोर से बोलिए, का कहेंगे? और जोर से बोलिए। जब आप उनसे कहेंगे जय सुहेल देव तो कहेंगे का बोलत है, तो कह दिया कि अब राजपाट बोलता। का बोलता? अब राजपाट बोलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, कैचर बाई पावर बैलेट और बुलेट, राज सत्ता पे कब्जा करो चाहे जैसे सत्ता मिले, इसके लिए तैयारी करो साथियों। ओम प्रकाश राजभर, राज सत्ता के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, राज सत्ता दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए हम आपको इकट्ठा किए। ये वोट का पावर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया, क्या आपने कभी सोचा? क्या चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कभी किसी नेता के दिमाग में बात नहीं आ रही? इस नाते आपको अपने दिमाग में आप बैठाओ, अब इस देश में एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू कराने के लिए आज हम लोग इधर इकट्ठा हैं। एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को, एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को साइकिल भी फ्री में देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग बनाना चाहते हो हाथ उठाओ, बनाना चाहते हो? आप दूसरा काम क्या चाहते हैं? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, दुनिया के तमाम देशों में फ्री शिक्षा है, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे साथी जरा, तब हमारे दोनों विधायक जरा खड़ा हो जाइए, तीनों सामने आ जाइए, हमारे विधायक जी लोग, आप लोग भी देख लीजिए कि नेतवा सही बोला था कि झूठ बोला था, इधर आ जाइए। ये हमारे पहले विधायक कोट वाले माननीय बेदी राम जी हैं, ये विधायक माननीय बेदी राम जी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। दूसरे विधायक हमारे माननीय हंसु राम जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। तीसरे विधायक हमारे माननीय दूधराम जी विधायक हैं, अच्छा आ रहे हैं, हम उनको दिखाते हैं आपको, तब तक आप लोग यहीं रहिए भैया। अच्छा, चौथे विधायक देख रहे हैं, चौथा विधायक जान रहे हैं आप लोग? कितने लोग जान रहे, जरा हाथ उठाओ। चौथा विधायक, अभी दो विधायक हमारे नहीं आ पाए, दो विधायक हमारे नहीं आ पाए हैं, तबीयत खराब है, लेकिन हमारे माननीय विधायक दूधराम जी की भी तबीयत खराब है, उनके ना आप थोड़ा चल फिर रहे, चलो तो कल है, सबको लेके हम लोग आ गए। रात को मैं जब यहाँ कार्यक्रम स्थल पे आया
हमारे कुछ साथियों ने देखा तो आश्चर्य मान गए कि वाह, हमारा नेता आधी रात को 12 बजे मैदान में क्यों आ गया। हम उन साथियों से कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा, लेकिन आपसे कह रहा हूं मैं आया। मुझे मालूम था कि बिहार के लोगों में थोड़ी गर्मी बढ़ी है, ये लोग आएंगे तो क्या इनके बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं, ये लोग आएंगे तो क्या माइक पे माइक की व्यवस्था हुई कि नहीं, पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, मंच पे जो नेता आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं। ये निगरानी साथी हमारे नेता तो करते ही हैं, हमारे विधायक भी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं खुद इस काम को करता हूँ कि आप अपने अपने गांव से अपने अपने जिले से चल करके आ रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस नाते रात को 12 बजे मैं यहाँ आया। हमसे एक सवाल एक साथी ने कहा कि नेताजी आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को मंच पे आता हो। हमने कहा भैया देखो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम दोनों में अंतर है। वो लड़का पूछा कि क्या अंतर है। हमने कहा देखो अंतर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक कहानी मैंने सुनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एक दिन अमेरिका से एक हमारा पत्रकार भाई इंटरव्यू लेने आया तो सबसे पहले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गया तो गेट पर पहरेदार थे तो पहरेदारों ने कहा, वो 12 बजे रात को गया तो पहरेदार ने कहा कि अभी सो रहे हैं सुबह आना 9 बजे। पत्रकार भाई वहां से चला गया गांधी जी के पास तो गेट पर गेट के पहरेदारों ने कहा कि सो रहे हैं सुबह 9 बजे आना। फिर पत्रकार पहुंचता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के दरवाजे पर और गेटमैन कहता है कि 12 बज गया, 1 बज गया ही रात, आप सुबह आइएगा। अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा उसको अंदर आने दो। पत्रकार भाई अंदर गया तो पहला सवाल किया, नेहरू जी के पास गया तो नेहरू जी सो रहे थे, गांधी जी के पास गया तो वो भी सो रहे थे, और आपके दरवाजे पर आया तो पहरेदारों ने तो कहा कि आप सुबह आइएगा, लेकिन आपने बुलाया, जब मैं आया आप जग रहे हो, लिख रहे हो, क्या कारण है? वो लोग सो रहे हैं आप जग रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उनका समाज जग चुका है, हमारा समाज अभी सोया हुआ है, जब हमारा भी समाज जग जाएगा तो हम भी सोने के लिए तैयारी करेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। उनकी बात को ओम प्रकाश राजभर अक्षर से मानता हूँ। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बात, गौतम बुद्ध जी की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात, छत्रपति साहू जी की बात, महात्मा फूले की बात, हम सबकी इतिहास को पढ़ते पढ़ते तब यहाँ तक हम आए। इस नाते आपसे कहना चाहता हूँ नौजवान समाज को जगाओ, ये मैदान मेरी ख्वाहिश है। अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा मैदान बोलो मैदान भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। आज ये रिहर्सल है खाली। हमारे कुछ साथी ट्रेन से आ रहे थे, सोच रहे थे कि टीटी बोलेगा। हमने 3 दिन की छुट्टी करा रखी है ना। बोलो यहाँ आए हुए लोगों जो ट्रेन से आए हो, कहीं कोई टीटी तुझे सलाम किया? जोर से बोलो, नहीं किया। ये ओम प्रकाश राजभर है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। आप बताओ अपने जिले में, अपने गांव में, अपने इलाके में, यहां से जाने के बाद आज से ही मन बनाओ। हमारे जो जिला अध्यक्ष साथी आए हैं विभिन्न जनपदों से, जो हमारे प्रदेश के नेता आए हुए हैं, हम सभी साथियों से कहूंगा अपने अपने जिले का संगठन ग्रास रूट तक तैयार करो, ग्रास रूट तक तैयार करो, थोड़ी ताकत आप लगाओ, जहां भी ताकत की जरूरत और पड़े तो ओम प्रकाश राजभर की पूरी फौज को याद करो। बिहार से पूरी फौज बिछा दूंगा, पूरी फौज बिछा दूंगा। आज आप देख रहे हो हमारे बीच में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के साथी हैं। जरा अपना हथियार ऊपर उठाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। जानते हो आप ये हथियार बिना लाइसेंस का है। बोलो लाइसेंस लगता है? जोर से बोलो, नहीं लगता। तेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
अपने अपने घर से एक बच्चा, चाहे वो प्राइमरी मिडिल में हो जूनियर में हो, जिसकी उम्र 10 साल से लेकर 20 साल के बीच का नौजवान हो, एक एक नौजवान को दो। हम उसको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अभी यहाँ आए हुए लोगों, मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ, आपके बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। अभी हमारे बाबा माँ बाप, हमारे माता पिता, उनको पता नहीं कि हमको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो क्या पढ़ाना चाहिए, इंजीनियर बनाना है तो कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए, हम अपने बच्चे को अगर मास्टर बनाना चाहते हैं तो कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए, अगर बच्चे को आईएएस और आईपीएस बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, बच्चे को सिपाही और दरोगा बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से हम आपके बच्चों को देना चाहते हैं। इस नाते राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन किया। बताओ ये सही है कि गलत? कितने लोग तैयार हो अपने घर से एक एक बच्चे को देने के लिए? आपके जिले में जो भी जिला अध्यक्ष है, हम उन जिला अध्यक्षों से कहूंगा, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से उदय जी से भी कहूंगा, जो भी नौजवान मलकटी से रिटायर हो, पुलिस से रिटायर हो, ऐसे नौजवान साथियों को जो रिटायर हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप जिले की कमान दे दो, प्रदेश की कमान दे दो और जिले से तैयार करो सेना। जब गांधी मैदान पटना में दोबारा हम लोग यहाँ आने का काम करें तो कम से कम 1,00,000 हमारी फौज डंडे के साथ यहाँ मार्च करने के लिए तैयार रहे, ताकि ये गांधी मैदान पटना ये समझ जाए कि नहीं, कोई नेता इस धरती पर आया और अलग जगह करके गया, और जगाने के बाद बिहार की धरती में 3800 जिले में एक क्रांति की लहर फैल गई। यही वो धरती है, लोकनायक जयप्रकाश जी ने इसी पार्क को भर करके क्रांति की बिगुल बजाया था, लोकनायक जयप्रकाश सिंह ने। इसी नाते मैंने ये भीमन बनाया ये मैदान। हमारे साथी जब हम लोग बाजा बजा रहे थे यूपी में, बहुत से हमारे पत्रकार भाई, बहुत से हमारे नेता, बहुत से मंत्री, बहुत से सांसद, बहुत से विधायक हमसे पूछते थे, बहुत बड़ा मैदान है। हम के अच्छा ही बताओ, रिहर्सल करने के लिए तो बड़ा मैदान चाहिए ना? बोलो, अगर रिहर्सल करना हो तो छोटा मैदान में होगा कि बड़ा मैदान में? बड़ा मैदान में। अब तो आज रिहर्सल हो गया, आज तो रिहर्सल हो गया। और 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद गुमनाम मगध प्रखंड के नवादा गया नालंदा जमुई के वीर योद्धा एकता रजवार, कारू रजवार एवं जवाही रजवार के नाम पर हम उनको नमन करते हैं। आप इन शहीदों के नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। और हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ भैया मुख्यमंत्री जी बिहार का कहा ना होगा, जोर से बोला देखा ही का बताओ आप लोग सुनत होगा, लेकिन हम उनसे कहल चाहते ही देखा ही राजभर बा खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई, खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई, जातिवार गणना तब तक नहीं करी हन जब थका माने मिल के लड़ल न जाई। ये प्रेस वार्ता कह के कह दलन कि जातिवार जनगणना कराएंगे, जातिवार जनगणना कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मारे नीतीश जी चलत हुआ यूपी ने, देखा यूपी से ओमप्रकाश राजभर यही बदे यहाँ आ गए। 20,00,000 नौकरी देने का वादा नीतीश जी ने किया, यहाँ जितने लोग आए हो ईमानदारी से बताओ किसके परिवार को नौकरी दे दिया इन्होंने, हाथ उठाओ, किसी को दिया? किसको किसको नहीं मिला जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जिसको नहीं मिला है। तो अब सोच ला नीतीश जी का ऐसा बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि खाली गुमराह करने की बात बोलते हैं। इस नाते साथियों, इन्होंने वादा किया है कि जातिवार जनगणना, और नीतीश जी जातिवार जनगणना करा दो, नहीं तो ये ओमप्रकाश राजभर तेरी बखिया उधेड़ करके बिहार में रख दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, ये ओमप्रकाश राजभर कहता है। और कह रहा हूं 20,00,000 नौकरी देने का वादा किया है उसको पूरा करो, नहीं तो हम तो यूपी वाला है।
ही तो बिहार बा। अब बिहार में जौने दिन ओम प्रकाश राजभर का बाजा लेके बजाई न, वो दिन पता न लगी कि का होत बा। ए बदे हम आपसे कहत हई साथी, सोच लो, विचार कर लो, अध्ययन कर लो। लड़ाई बाव साफ साफ है, यहाँ जितना लोग है के बिजली के बिल से परेशान होता, हाथ उठावाता। ये नीतीश जी का करत हूँ, ये खाली टीवी पे आके भाषण मारत हूँ भका भक है। इनके इनके समझ में ना आया बताओ भाई, फिर हाथ उठावा जेके जेके बिजली बिल माफ करावल चाहे हाथ उठावा हमारे की नहीं था। देख लो भैया पत्रकार लोग नहीं तो कहवा की बहुत काम करत हुआ नीतीश जी। ये कुल काम इनका लोगन कहा, यही बदे हम आए लैला पटना में, यही बदे। अगर इस देश में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। बोलो कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो, हाथ उठा। तो तैयारी करो, तैयारी करो। ये राजभर है, इस नाते की कुल कहत रहे नेतवा हमसे कि बिहार में भर राजवार राजवंशी आरक खंगार खरवार कहां बायन राजधोक वर्मा मंडल पमंडल। जितना लोग हम नाव ले तो हाथ उठावा, जे जे बिरादरी काल है तो हाथ उठावा, जोर से दोनों हाथ उठावा, जे जे आयल बा। कुल कहला कि ना हमन, ये बतावा कहां से आयल हमन। भारे नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप अभी नौजवान हो, ये देख लो, अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। ये सोच लो 30 साल से सरकार तुम दोनों नेता पिछड़ों को धोखा दे रहे हो। 30 साल से, 30 साल में किसी राजभर को, रजवार को, प्रजापति को, राजवंशी को, राजभोग को, मंडल को विधायक नहीं बना पाया। इस नाते होश में हो जाओ, बेहोश मत रहो। ये ओम प्रकाश राजभर अब यहाँ बिहार की धरती पर अब थोड़ी सी ज्वाला गर्म कर रहा है और आने वाला कल मजबूर कर दूंगा, या तो हिस्सा दोगे या तो सत्ता से बेदखल करके पहुंचा दूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा ना। ये सोचत रहना कि कोई बोली ना, कि ना जानत हुआ कि ये राजभर ये ऐसी जाति है भाई, ये कौम अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया। संविधान में अंग्रेजों ने हम लोगों को क्रिमिनल कास्ट कहा, क्रिमिनल कास्ट कह दिया, लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होते होते आज हम लोग कहां खड़ा हो गए। हिस्सेदारी के सवाल पे बंटवारा हुआ पिछड़ा पिछड़ा बिहार में, और तब तक ले जाकर के हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? हिस्सा देना होता तो मुकदमा करके बजा देते हो, कोर्ट लेना होता है तब दिखाई देते हम लोग। इस नाते अब यहाँ दरोगा बनाना है, सिपाही बनाना है, एमपी एमएलए बनाना है, तहसीलदार बनाना है, एसडीएम बनाना है, डीएम बनाना है। अपने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर हमको भी इस देश में भागीदारी लेना है। इस नाते हम आपके बीच में 20वां स्थापना दिवस मनाने के लिए आए। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। एक कानून और, हम जब भी जाते हैं बीएचयू तो ज्यादा से ज्यादा मरीज हमारे बिहार के साथी मिलते हैं, बिहार के साथी मिलते हैं। हम देश में एक कानून बनाना चाहते हैं। हमारे विधायक माननीय दूधराम जी आए कि नहीं? अभी हमारे साथी, हमारी पार्टी की सोच है एक कानून, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है इलाज कराना या ऑपरेशन, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में करावे चाहे प्राइवेट अस्पताल में करावे, उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश में दे, बिहार में बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग बनवाना चाहते हो, हाथ उठाओ। बनवाना चाहते हो तो यहाँ से जाने के बाद देखो, यहाँ से जाने के बाद
अपने अपने इलाके में ये संदेश पहुंचाओ कि जब लगन आई, लगन मीन्स चुनाव नजदीक आई, वो करे 8 महीना पहले तारीख तय कराई, तब टेंट न लगी, तब तई जाड़ा रही, ठीक ना? जाड़ा रही तो गर्मी निक लगी, धूप, टेंट नहीं रहेगा। और इस मैदान में मन बनाया हूं अगली बार इसका 10 गुना ज्यादा भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहूंगा। तो यहां जितने लोग आए हो, कितने लोग अपना अपना पैसा लगा के आए, जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ भाई। हमारे पत्रकार भाई लोग कहते हैं कि नेतवा रुपया दे लो बिहार से लिया के, लेकिन हमारे पल्ले तो खुद खाए का ठेकान नहीं, हम रुपया कहां से दे। बोला हम रुपया देले हई, रुपया नन देले हई, के अपन रुपया लगा के आला, दोनों हाथ उठावा था सब लगाओ लेवा। हमें 20 साल हो गया, 20 साल में साथियों ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है कि सबकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। यहाँ जितना लोग घायल हुआ, जरूरत पड़ेगी कभी पार्टी चलाने के लिए तो बोलो 10 रुपया दे सकते हो आप लोग, के दे हाथ उठावा, जे जे दे दे सकते हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग सोच रहे भीख मंगाओ का ही। हमरे मंचवा पर जितना बैठल हुआ सर ऐसा भीख मंगा है। अरे भाई वोट मांगे को बोला तो का होला, भिखिया ना मांगल जाला, नेता लोग भीख मंगे ना है, चाहे वो अपने के जितना टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हो, लेकिन सब के सब भिखारी है चुनाव के समय। इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बिहार के लोगों, आज आपने ओम प्रकाश राजभर को वो ताकत दिया, वो ऊर्जा दिया और वो संदेश दिया कि देश में दिल्ली में बैठा हुआ नेता और बिहार में बैठा हुआ नेता के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में आज बिहार ने एक संदेश दिया कि ये देश में हमने है तो हमारे के हिस्सा मिले के चाहिए, चाहिए कि न चाहिए, कितना जने के चाहिए। तो जेके जेके चाहिए, जे जहां बैठा ला वही खड़ा हो जाता, तब लोग खड़ा हो जा, तब लोग खड़ा हो जा। हमरे कि नहीं दोनों हाथ ऊपर करा, हमरे कि नहीं हाथ ऊपर करा और हम बोला तब नारा लगैया, जय सुहेल दे, जय सुहेल दे, जय सुहेल दे, जय सुहेल दे, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इसी बात के साथ आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भीम, खुदा हाफिज, जय भारत।